सौरी में रहला पर लैका के सोहर के गावेला छक्का गावेला हिजड़ा गावेला। जी बच्चा है तब तो पवन सिंह जी को बिल्कुल संन्यास ले लेना चाहिए कि एगो बच्चा है आपको तबाह कर गोली मार रहा है सत सत वो के मार दिया तो चुमा झुंड में भेड़िया घुस जाता है तो गाय के झुंड में जब भेड़िया घुसेगा सर तो भेड़िया को तो भगाना है ना। भेड़िया नुकसान किसका करेगा? गाय को भाषा में समझना चाहता है सर, उस भाषा में हमको समझाने आता है तो गाली देकर समझाइएगा। अब सर सामने वाला गोली मार रहा है तो हम बोलिए। अरे आप सब पत्रकार हैं, समाज के चौथे स्तंभ हैं, लोकतंत्र की चौथी इकाई आप सब। बिल्कुल, सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि बिहार में जेडीयू आरजेडी की सरकार है, चौथा में जाकर के 12 बजे रात को कबातोड़ लाठियों से मारकर किसी का सर तोड़ दिया गया, किसी का पैर तोड़ दिया गया, आखिर कितना सही था? सर ऐसा नहीं है कि जैसे वो होता क्या है ना कि जैसे गाय के झुंड में भेड़िया घुस जाता है तो गाय के झुंड में जब भेड़िया घुसेगा सर तो भेड़िया को तो भगाना है ना। भेड़िया नुकसान किसका करेगा? गाय का ही नुकसान करेगा है ना। तो ये किसानों नौजवानों मजदूरों इन लोगों का जब भी प्रोटेस्ट होता है तो ये भाजपा वाले लोग कोशिश करते हैं कि उसमें शामिल कर करके और उनकी हक की जो लड़ाई है उसमें विवाद पैदा कर दें। नहीं तो फिर लाठी जिन लोगों के घर पे पड़ा हो तो भाजपा के लोग नहीं थे। सर आप ये बताइए ये कैसे कहिएगा सर? ये नहीं, कैसे नहीं, ये, हम लोग गए हुए थे वहाँ पे, हम लोग देखे थे। वो सिंपल घर के लोग हैं एकदम जैसे हम आप लोग हैं। आप लोग तो ताला खुलवा खुलवा कर लोग मारा, घर को तोड़ा गया, गेट को तोड़ा गया और मारा। सर हम वही तो कर रहे हैं कि जैसे जब गाय के झुंड में जब बहुत सारे जब सियार और लोमड़ी भी घुस जाएंगे तो इधर से जब ढेला फेंका जाएगा तो कुछ जरूरी ना है सर कि वो लोमड़ी पे ही लगेगा। आखिर लोकतंत्र को तो बचाना है, शासन व्यवस्था को तो कायम रखना है, तो उसी कार्रवाई में अब देखिए कि यही भाजपा वाले लोग अभी बड़ा किसान के शुभचिंतक बने हुए हैं। 1.5 साल तक किसान लोग जो थे सर ये हरियाणा दिल्ली बॉर्डर पर ठंडा गर्मी बरसात में ककड़ा करके रह गए थे वहाँ पे। उस समय ये लोग क्या कर रहे थे? किसानों को ये लोग कह रहे थे कि चोर है डकैत है या आतंकवादी तक बता रहे थे। आज मैंने सत्ता जाते ही ये लोग बड़ा किसान के शुभचिंतक हो गए। उन लोगों को किस तरह का इंसाफ मिलना चाहिए? सर उन लोगों को इंसाफ मिलेगा ये लालू प्रसाद यादव जी की सिद्धांत वाली सरकार है सर। आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय डिप्टी सीएम श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी, आदरणीय मंत्री श्री तेज प्रताप यादव जी की जो मुहिम है कि हम नौजवान को किसान को एकजुट करेंगे मजबूत करेंगे। अभी बिहार सर देख रहे हैं कहाँ से कहाँ बिहार बढ़ रहा है, बर्थ डे नौकरी बांटी जा रही है सर। चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे। एक बार अभी कुछ दिन पहले आप एक जगह गए हुए थे जहाँ पर बहुत सारे पत्रकार थे, वहाँ पे आपका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें आप बहुत ज्यादा गाली दे रहे थे, यह कहाँ तक सही? सर देखिए है क्या ना कि सामने वाला जिस भाषा में समझना चाहता है सर उस भाषा में हमको समझाने आता है तो गाली देकर समझाइएगा। अब सर सामने वाला गोली मार रहा है तो हम बोलियो ना बोले हैं। सामने वाला मैंने गोली मार रहा है सत सत वो के मार दिया तो चुमा लेंगे बैठ के हम। फिर भी आपको बहुत सारे लोग देखते हैं, बहुत आपकी फैन फॉलोइंग है और बहुत लोग देखते हैं और आपके देखने वाले चाहने वाले और गाली सुनेंगे तो फिर क्या प्रभाव? नहीं नहीं वो लोग जैसे जो लोग हमको देखते हैं उनको पता है कि संतोष रेणु यादव किस टाइप का आदमी है। हम कभी भी सर हमारे OBC SC ST अल्पसंख्यक समाज के लोगों पे अगर कभी भी उंगली उठाई जाएगी सर बेवजह तो हम उंगली को तोड़ देंगे सर, चाहे कोई भी हो सामने वाला कितना भी बड़का गुंडा हो चाहे क्रिमिनल हो। अगर स्वर्णो पे अगर अत्याचार होगा वहाँ पर नहीं खड़ा हुई हम सर? खड़ा हुए हैं सर। सुशांत सिंह राजपूत जी की हत्या हुई थी, 24 घंटा अनशन पर रहने वाला व्यक्ति था संतोष रेणु यादव, पता कीजिएगा सर। तो हाँ हमें किसी समाज से कोई नफरत नहीं है लेकिन हमें अपना घर तो बचाना है ना सर। सामने वाला घर में अगर आग लगा हमारे घर में भी आग लगा पहले तो पहली दायित्व है कि हम अपने घर को बचाएं। हाँ अगर हमारा घर बचा हुआ है तो सामने वाला घर को भी बचाएंगे। बिल्कुल बचाएंगे। हमारा हिंदुस्तान संघर्ष कर रहा है तो हम जाएंगे चाइना को बचाने के लिए, जाएंगे हम अमेरिका को बचाने के लिए। आखिरी सवाल आपसे भोजपुरी इंडस्ट्री की तरफ बढ़ते हैं, बड़ा विवाद होता है अब फिर से एक नया विवाद हो गया है थोड़ा सा उस पर हम करेंगे। पवन सिंह जी कहते हैं कि बच्चा है स्टाइलर, आप ही के जाति के हैं, आप जाति के लिए खड़ा रहे हैं हमेशा, क्या कहिए पवन सिंह जी? अगर खेसारी लाल यादव जी बच्चा है तब तो पवन सिंह जी को बिल्कुल संन्यास ले लेना चाहिए कि एगो बच्चा है आपको तबाह करके रख दिया है। एक मतलब मैंने पवन सिंह जी तबाह हो गए, एगो बच्चा से तबाह हो गए। अब पवन सिंह जी जो बात बोले कि भाई
सौरी में है, मैंने कोची बोलते हैं सोहर गाँव, तो सौरी में रहला पर लगा के सोहर के गावेला छक्का गावेला हिजड़ा गावेला। अच्छा। पवन सिंह हिजड़ा है। अब अपने आप को क्या साबित करना चाहते हैं वो तो पवन सिंह ही जानते हैं, अब इसमें क्या कहना है भाई। खेसारी लाल यादव संघर्ष करने वाले स्टार हैं और सुपर स्टार हैं, आज जहाँ पे हैं वो संघर्ष की सीढ़ी पे का कदम चढ़ करके वहाँ पहुँचे हैं। परम आदरणीय लालू यादव की तरह परम आदरणीय भीमराव अम्बेडकर साहब की तरह परम आदरणीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी की तरह। आखिरी में चलने के लिए क्या बोलिएगा? बस अच्छा पत्रकारिता कीजिए, निष्पक्षता पूर्व जैसे अभी किए हैं। पत्रकार कभी भी अच्छे होते हैं, चाटुकार हमको अच्छे नहीं लगते। बहुत बहुत धन्यवाद।